I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. Major Vijay Malhotra reporting, sir. Come, sit down. Thank you. Yes, Vijay. Sir, पिछले महीने border post पर हथियार ले जाने वाले truck का accident और arms depot में लगी आग की inquiry का जो task आपने मुझे दिया था, मैंने उसकी report तैयार कर ली है. So what's the outcome? Sir, पता चला है कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, जिसका मकसद था हथियारों की चोरी. इसका मतलब इस racket में हम में से कुछ लोग शामिल हैं. ये केस हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपना होगा. सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है. कल जो हथियारों से भरा ट्रक जाने वाला है, उसे बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी जाए. अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो हथियारों के लुटेरे बेनकाब हो जाएंगे. ओके. पापा, ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है? आए? बड़े बुर्बक है भाई हमारे बेटे. अरे खिलौना कभी उड़ता है का? तो मुझे उड़ने वाला प्लेन दिला दो ना. अरे आप बड़े तो हो जाइए जी, फिर देखिए लोगों के पास इतना कार नहीं होगा जितना आपके पास हवाई जहाज होगा. जाइए, फिलहाल इसी से काम चलाइए. जाइए. हाँ, इसके दिमाग में ऐसी बातें भरने की जगह अगर ABCD भरते तो आज कम से कम अपना नाम लिखना तो सीख जाता. अरे सीख लेगा जी. ABCD कौन सा इंडिया छोड़कर जा रही है? लेकिन उसकी उम्र तो जा रही है, इतना बड़ा हो गया है. ना आपने कभी उसे कोई किताब दिखाई, ना उसने कभी कोई स्कूल देखा. आपको जरा भी फिक्र नहीं होती इस बात की? अरे भाऊजी, जितना पैसा पढ़ाई में खर्च करोगी उतने की दो चार भैंस खरीद लो. दूध मलाई खाए का बचवा हमार जैसा पहलवान हो जाएगा और भैया जैसा विद्वान हो जाएगा. तुम बिलीव नहीं करोगी. का हुआ बलदेव? बड़ भैया, DK साहब एक अर्जेंट मीटिंग बुलाए. ये काय की मीटिंग है जी? ये तो हम पूछा नहीं, बस इतना मालूम है कि सबको बुलाए हैं और सुबेदार प्रताप सिंह भी आ रहे हैं. अरे वो तो ठीक है, लेकिन पिछली बार जो DK साहब को हथियार पहुंचाए थे उसके पैसे का क्या हुआ? अरे दिए हैं ना, ये पेटी भर के दिए हैं. ये कितना है रे? बड़ भैया, इतना गिनती तो हम नहीं जानता हूँ. तुम कहो तो वजन करके देख लेते हैं. पेटी के साथ 7-8 किलो तो होगा जरूर. अरे नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं. तुम
तुम जाकर नुक्कड़ पर इंतजार कर, हम कपड़ा बदल कर आता हूं। हाँ। आप वही ड्यूटी कर रहे हैं ना जिसके लिए सरकार ने आपको ये वर्दी दी है? अरे तुमको नहीं मालूम काजी, ड्यूटी ही तो कर रहा हूं। कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हो। पहले 3,000 रुपए हर पहली तारीख को आ जाते थे, अब किसी भी तारीख को लाखों रुपए आ जाते हैं। मैं पूछती हूँ क्यों, क्या कमी है हमारी जिंदगी में? का जाहिल औरत है भाई, हम जीना चाहता हूँ, ऐश करना चाहता हूँ। अपने देश को बेचकर? तो तुम क्या चाहती हो, जीवन भर बंदूक उठाए घूमता रहूं और एक दिन दुश्मन की गोली छाती में लेके मर जाऊं? अरे विधवा होने का बहुत अरमान है का? वो विधवा सुहागन से ऊंची होती है जिसका पति देश के आन पर शहीद होता है। मैं आपको गोली खाकर मरते तो देख सकती हूँ, आपके माथे पर गद्दारी का दाग नहीं देख सकती। शांति, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे साथ वफा भले ही ना करो लेकिन वतन के साथ गद्दारी करोगे तो कभी माफ नहीं करूंगी। हमका सिखाने की कोशिश मत कर, पैसा के लिए हम बीबी को भी छोड़ सकता हूँ। भैया सुबेदार प्रताप सिंह जी आ गए। क्या हुआ सिन्हा, हमेशा तो टीके लूटने के बाद हथियारों की डिलीवरी लेने आते थे, आज अचानक लूटने से पहले कौन सी मीटिंग करने आ रहे हैं? हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि कल तुम लोगों के चार्ज में जो हथियारों का ट्रक बॉर्डर पर जाने वाला है उसे तुम लोग आसानी से नहीं लूट सकते। क्यों? क्योंकि तुम पर एक और इंचार्ज आ रहा है, मेजर विजय मल्होत्रा। ये खबर आपको कहां से मिली सर? हमारे चौथे पार्टनर जसवंत दलाल से, जो मेजर का ड्राइवर है। मेजर विजय मल्होत्रा तो बहुत सख्त ऑफिसर है, उसके रहते हुए ट्रक तो का एक ठोक कीला ना ही निकाल सकते। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ट्रक में लेटेस्ट और हाथों हाथ बिकने वाले 10 करोड़ के हथियार हैं। हम चारों पार्टनर्स को 2.5-2.5 करोड़ मिल सकता है। 2.5 करोड़? चाहे कुछ भी हो, हम उन हथियारों को हासिल करके रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक जेंटलमैन। और टैंकों से खेलने वाले फौजी पुलिस के तमंचों से डरा नहीं करते मिस्टर तीनो। या। कमाल है यार, मैं इतने चुपके से आया फिर भी तुझे पता चल गया। और क्या, हम फौजियों की 2 नहीं 4 आंखें होती हैं। अरे भाई साहब आप। नमस्कार भाभी जी। आज ये अचानक कैसे आना हुआ? श्री दिनेश कपूर, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, दिल्ली से सीधा आप लोगों के पास एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। सुना दीजिए। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आपके हाथ का बना हुआ बढ़िया सा अच्छा सा नाश्ता, उसके बाद खुशखबरी। डन। खुशखबरी यह है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और 4 रोज के अंदर मुझे मुंबई में ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाभी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और इसी खुशी में हम लोग आज शाम की फ्लाइट से शिमला जा रहे हैं। ये रहे फ्लाइट के टिकट्स, मिस्टर विजय मल्होत्रा, मिसेस गीता मल्होत्रा, मास्टर राजू मल्होत्रा एंड मिस्टर दिनेश कपूर। यार दिनो, हम लोग नहीं जा पाएंगे। देख, मैंने राजू को प्रॉमिस किया था कि वो फर्स्ट आएगा तो हम सब लोग हिल स्टेशन जाएंगे,
आज जो कंसाइनमेंट के ट्रक्स बॉर्डर जाने वाले हैं उनका इंचार्ज मैं हूं। तो ठीक है, उसका चार्ज तो किसी और को दे दे। अगर ये चार्ज ऑफिसर ने दिया होता तो मैं किसी और को सौंप देता। मेरे दोस्त, ये असाइनमेंट मैंने खुद मांग कर ली है। यार तूने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, मैं आज ही मुंबई चला जाता हूँ। जसवंत लाल रिपोर्टिंग सर। जीप तैयार है सर। तुम रुको, मैं आ रहा हूं। ड्राइवर, गाड़ी पीछे ले। सर, ये ट्रक क्यों रुक दिया? सर, डिफरेंशियल का ऑयल लीक हो गया, इसलिए भील जाम हो गया। मैं हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हेलो हेलो, वायरलेस को क्या हो गया? सुबेदार साहब। सर, यहां इस ट्रक की सिक्योरिटी के लिए आपके साथ कुछ जवान रुकेंगे। सर, बाकी ट्रक्स और जवान मेरे साथ आगे चलेंगे। पासी की चौकी से मदद लेकर आता हूं। सर, कोई शक? नो सर। जादो, यह हथियार किसी राजा की तिजोरी में जमा सोने से नहीं बल्कि 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के खून पसीने से कमाए पैसों से बनवाए जाते हैं। देश की रक्षा करने की शपथ लेकर देश को लूटने वालों, तुम्हारे जिस्म पर इस वर्दी का होना इस वर्दी का अपमान है। हमें अरेस्ट करके आपको 2-4 तांबा पीतल के मेडल के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। हमारा पार्टनर बन जाओ, हम आपको आधा हिस्सा दे देंगे। तुम मुझे खरीदना चाहते हो, बास्टर्ड? बिकता कौन नहीं है मेजर साहब, सब बिकाऊ हैं, सब खरीदे जाते हैं। फिर ऐसे माहौल में हम फौजी ईमानदार बनकर क्या कर लेंगे? खामोश! अकेले हम फौजियों की ईमानदारी से ही तिरंगे की आबरू बची है, वरना देश का वजूद मिट जाता। सूरज के आकाश में डूबने से लोग नहीं सोते, सरदों पर जब हम जागते हैं तब देश चैन की नींद सोता है। अगर हम ही अपने फर्ज और जमीर का सौदा कर बैठे तो तिरंगे की जगह किसी और रंग का झंडा आ जाएगा। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।